हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। अपना टॉपिक चला था क्वांटम संख्याएं। ठीक, तो क्वांटम संख्याएं में अपनी परिभाषा बताई थी कि परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति है, ऊर्जा विन्यास, उसको प्रदर्शित करने के लिए जिन संख्याओं की आवश्यकता होती है, वो संख्याएं कहलाती है क्वांटम संख्याएं। ठीक है, क्वांटम संख्याएं। बात इनके टाइप की, तो मैंने क्वांटम संख्या चार प्रकार की बताई, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। तो अपना जो मुख्य क्वांटम संख्या वो कंप्लीट हो गया था। आज के अपनी नंबर दो रहे द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या। द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या किसे प्रदर्शित किया जाता है? छोटे एन से। तो जो अपनी पहली क्वांटम संख्या थी n, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, वो किसको प्रदर्शित? परमाणु के अंदर कोष को। परमाणु के अंदर कोष को प्रदर्शित करती यह क्वांटम संख्या प्रदर्शित किसे की जाती है? l से। किसे प्रदर्शित करते? छोटे l से। यह जो क्वांटम संख्या आती है, यह कोष को प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? उपकोष को। जबकि मुख्य किसको प्रदर्शित करती है? कोष को। मुख्य क्वांटम संख्या किसको प्रदर्शित करती है? कोष को। ठीक है, यानी किसी भी कोष के अंदर कितने उपकोष होंगे, किसी भी कोष के अंदर कितने उपकोष होंगे, वो कौन बताती है? द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या। ठीक है, यानी किसी भी कोष के उतने ही उपकोष होंगे जिसके लिए के लिए उसके एल का मान आएगा। ठीक है, और एल का मान आता है एल बराबर एन माइनस वन। एल बराबर एन माइनस वन, यानी द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या का मान मुख्य क्वांटम संख्या के मान में से एक एक घटाने पर जो मान आता है, वो मान किसका आता है? अपना द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या का। ठीक है, तो जैसे पहला कोष कौन सा था? अपना के कोष। कौन सा कोष था? अपना के कोष। तो के कोष के लिए एल का मान कितने, इसमें कितने कोष होंगे? तो के लिए एल का मान कितना आएगा? एल बराबर के लिए एल का मान कितना था? एक। एक माइनस एक बराबर जीरो। एक माइनस एक बराबर जीरो, यानी एल का मान जीरो आ जाए तब तक एन के वैल्यू में उसको घटाना चल रहा है। तो के लिए कितने मान है? एक आ जीरो, इसलिए के कोस के कितने कोस होंगे? एक। इसी प्रकार एल कोस, एल कोस के लिए एल के मान देखिए, एल बराबर दो माइनस एक, यानी एल कोस से एन का मान कितना है? एन बराबर दो आए, तब क्या लिखते हैं अपन? एल कोस। एल बराबर दो माइनस एक, तो कितना आएगा? एक। कितना आएगा? एक। अब तब तक घटाना अपने को जब तक जीरो ना आए, तो अब उस एक में से एक फिर घट सकता, कितना आएगा अपना? जीरो। कितना आएगा मान? जीरो। तो जो एल कोस है उसके कितने कोस होंगे? दो। इसी प्रकार के एल एन, एन कोस के लिए एल के मान कितना आएंगे? एन कोस कब लिखते हैं? जब एल का मान कितना है? तीन। तीन माइनस एक बराबर दो। ठीक है, दो में स्प्रे कर सकता है कितना आएगा? एक। और एक में स्प्रे घटाए कितना आएगा? जीरो आ सकता है। तो एन कोस के लिए एल यानी द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या कितने मान आएगा? अपना जीरो, एक और दो। कितने मान आएंगे? तीन। तो एन कोस के कितने कोस होंगे? तीन। इसी प्रकार एन कोस, एन कोस के लिए एल के मान कितना आएंगे? चार माइनस एक, तो कितना आएगा? तीन, फिर दो, फिर एक, फिर जीरो। तो एन कोस के लिए एल के कितने मान आएगा अपने? चार, जीरो, एक, दो, तीन। एन कोस के कितने कोस होंगे? चार। ठीक है, तो इस प्रकार यानी किसी भी कोस के अंदर कितने उपकोष, उसके बारे में जानकारी देती है अपनी द्विगुणसूत्री क्वांटम संख्या एल। तो के कोष के कितने उपकोष होंगे? एक, और उसका क्या नाम रहेगा? एस, एस उपकोष। ठीक है, यानी एल का मान जीरो आने पर कौन सा उपकोष लिखेंगे? एस। ठीक है, एल कोष की कितना है? पहले जीरो एक, तो इसके कितने उपकोष होंगे? दो। कितने होंगे? दो, जीरो और एक पी, यानी जीरो आने पर क्या लिखते हैं? एस, और एक आने पर पी। दो कोष होंगे एस पी उपकोष। ठीक है, यानी एम कोष के कितने होंगे? तीन, जीरो एस पी
और डी उपकोष, एस पी डी उपकोष, यानी जीरो के लिए एस, ए के लिए पी और दो के लिए डी उपकोष। ठीक है, तो एन कोष के कितने उपकोष होंगे? चार, एक एस, एक पी, एक डी और एक एफ उपकोष। ठीक, यानी एन कोष के कितने उपकोष होंगे? चार, एक एस, एक पी, एक डी और एक एफ उपकोष होंगे। यानी एस कब लिखेंगे? जब एल का मान एक, एस के लिए एल का मान कितना होता है? जीरो। पी के लिए एल का मान कितना होता है? एक। डी के लिए एल का मान कितना होता है? दो। तो एफ के लिए एल का मान कितना होता है? तीन। ठीक है, यानी एल बराबर जीरो आ सकता है, एक आया, दो आया और तीन आया। ठीक है, और उपकोष अगर एस के लिए जीरो, पी के लिए एक, डी के लिए दो और एफ के लिए तीन। ठीक है, ये किसके मान? अपन एल के, इसके एल के, इन एस के लिए एल का मान जीरो, पी के लिए एल का मान कितना मानेंगे? एक, डी के लिए एल का मान कितना है? दो, एफ के लिए एल का मान कितना है? तीन। ठीक है, ये थे अपनी द्विवशी क्वांटम संख्या, यानी कोष के अंदर उपकोष कौन कौन से, किसी भी उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 × 2L+1। किसी भी उपकोष के अंदर अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी होगी? ये वाला फॉर्मूला अपना 2 × 12+1। ठीक है, यानी एस उपकोष की बात करें तो एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? तो रखिए 2 × 2 × L, एस के लेवल का मान कितना? जीरो प्लस में एक, तो जीरो को दो से क्या? जीरो, एक जोड़ा एक, एक को दो से क्या? तो कितना आएगा आंसर? दो। इसलिए एस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की कितनी आती है? दो। इसी प्रकार पी उपकोष, पी उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की क्या आएगी? फिर से फॉर्मूला 2 × 2 × पी के लिए एल का मान कितना आ रहा है? एक, एक प्लस में एक बराबर दो, एक एक दो, दो को दोष किया चार। ठीक, तो कितना आएंगे? छह, 2 × 12+1, यानी 2 + 1 जोड़ा 3, 3 को 2 से किया 6, तो पी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 6। ठीक, इसी प्रकार बात करें अपन डी उपकोष की, कौन से उपकोष की? डी की, तो 2 × D के लिए एल का मान गुणा में एल, एल का कितना है? 2 × 2 प्लस में एक, तो 2 × 2 = 4, 1 × 5, 5 × 2 से करने के कितना आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 10। इसी प्रकार एफ उपकोष की बात करें, एफ उपकोष में क्या आएगा? 2 × L, L के लिए कितना है? 3 गुणा में 3 प्लस में एक, तो 3 × 6, 1 × 7, 7 × 14। इस प्रकार जो एफ में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 14। तो इस प्रकार जो अपनी जो ये द्विवशी क्वांटम संख्या है, कोष के अंदर उपकोष के बारे में जानकारी देती है, और उस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, उसका फॉर्मूला अपना 2 × 2L+1 की सहायता से उस कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने भरे जा सकते हैं। ठीक है, और इस उपकोष, किसी भी कोष के अंदर कितने उपकोष होंगे, वो फॉर्मूला अपना चलता है 2L+1, एल के मान आते इससे भी अपन निकाल सकते हैं, और इस फॉर्मूले से अपन किस कोष के अंदर कितने कोष होते हैं उसकी मान निकाला जा सकता है। तो यह थी अपनी द्विवशी क्वांटम संख्या, आज के लिए इतना ही।